मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो इधर में बाहर निकलते ही लक्ष्मी मंदिर से उधर सामने एक दूर में जो पेड़ नज़र आ रहा है वे वाला, उसको कल्पवृक्ष कहते हैं। और कल्पवृक्ष यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो उसके लिए हमने इस ऑटो से जा रहे हैं और इस ऑटो से बात हुई है, 10-10 रुपये लेंगे और हमको वहाँ तक कल्पवृक्ष तक छोड़ेंगे। कल्पवृक्ष देख तो आपको मंदिर के सामने से भी दिखता है, मेरी उंगली की सीध में देखेंगे तो वहाँ पर कल्पवृक्ष दिख रहा है। दोस्तों फाइनली आ गए हैं इस कल्पवृक्ष तक और सामने आपको लक्ष्मी मंदिर भी दिख रहा है। ये दोनों पास ही पास है, मात्र 1 किलोमीटर का अंतर है और अगर आप सामने सीधे ही आएँ तो आधा ही किलोमीटर पड़ता है दोस्तों लक्ष्मी मंदिर से, लेकिन हम ऑटो से आए हैं घूम के, इसीलिए लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र रहा है। देखिए दोस्तों अब आप इस कल्पवृक्ष की मोटाई देख सकते हैं, आपको मोटाई दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसका एक मैं परिक्रमा ही कर रहा हूँ इस कल्पवृक्ष की। दोस्तों इस कल्पवृक्ष के बारे में बताते हैं कि अगर इसकी एक डाली को हिलाएं तो ये पूरे का पूरा वृक्ष ही हिलने लगता है। सोनू जी आप थोड़ा सा हिलाएं और हम देखते हैं। हाँ आप यहाँ से देखिए, सोनू जी यहाँ से इस कल्पवृक्ष को हिला रहे हैं और देखिए वहाँ पर जो डाली है, ये वाली डाली आपको साफ साफ क्लियर हिलती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए दोस्तों ये कल्पवृक्ष आपको दो भागों में दिख रहा है। देखिए सोनू जी वहाँ पे हिला रहे हैं और देखिए यहाँ पे आपको इस डाली में कितनी हलचल दिखाई दे रही है। ये देखिए इस कल्पवृक्ष की यही खासियत है दोस्तों, अगर आपको इस एक डाली को पकड़ के हिलाएंगे तो ये पूरे का पूरा वृक्ष आपको हिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पर कुछ स्थानीय माता जी हैं, वे हमें इस कल्पवृक्ष के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रही हैं। जी माता जी, ये है नांगी। अच्छा ये जो जा रहा है नागदेव की आकृति उभरी हुई है इस पे। जी देखो जी लड्डू गोपाल है बेटा जी, जी धागा पे। अच्छा वो जो दोस्तों धागा पहरे जो आकृति आपको नजर आ रही है, हाँ, वो माता जी ने बताया कि ये लड्डू गोपाल की आकृति इस कल्पवृक्ष पर उभरी हुई है। जी नागदेव जी। हाँ जी देखो जी शेर का मुंह। अच्छा अच्छा शेर का मुंह कौन सा माता जी? यहाँ से देखो। अच्छा 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 ये दोस्तों शेर के मुंह की आकृति इस कल्पवृक्ष पर उभरी हुई है, हाथी की सूंड है। अच्छा ये हाथी की सूंड उभर गई इस कल्पवृक्ष पे। जी ये दोस्तों गणेश जी की आकृति इस कल्पवृक्ष के ऊपर इस समय आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस कल्पवृक्ष को ध्यान से देखेंगे तो ये कल्पवृक्ष नीचे से एक है, लेकिन दोस्तों इस स्थान से यहाँ पर दो हो गए हैं इसमें पेड़। हाँ, दो बन गए यहाँ पर, दो बन गए हैं। और इसमें दोस्तों इस कल्पवृक्ष को माताजी ने बताया कि ये नर है और ये स्त्री नारी है। और इस कल्पवृक्ष में बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय कि यहाँ पर इस कल्पवृक्ष के अंदर मन देवी का वास है और इसके आप बारे में बताते हैं कि अगर आप इसकी सच्चे मन से परिक्रमा करते हैं तो दोस्तों आप जो मांगते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों यहाँ पर कल्पवृक्ष के बारे में लिखा भी हुआ है कि श्री श्री 1008 श्री रुद्रेश्वर महादेव जी ने कल्पवृक्ष पर विश्राम किया, पहले उनके दर्शन करें फिर कल्पवृक्ष की परिक्रमा कर पुनः लाभ प्राप्त करें। दोस्तों इस कल्पवृक्ष के पास में पहले भगवान शिव का मंदिर भी था, लेकिन अब वो मंदिर जो सामने पहाड़ी आपको नजर आ रही है वहाँ पर स्थापित है। दोस्तों इस कल्पवृक्ष के बारे में ऐसा बताते हैं कि इस पे जो आप हरी पत्तियाँ देख रहे हैं इस वक्त तो ये हरा है, लेकिन इसमें हरियाली केवल साल में 4 महीने के लिए रहती है और बाकी समय पर यह सूखा प्रतीत होता है, लेकिन कभी ये सूखता नहीं है, इसकी एक डाली भी नहीं गिरती है। और जिस तरह की ये डाली हो जाती है बाकी साल के 8 महीने में यह इस तरह का पूरा प्लांट्स हो जाता है। दोस्तों इस कल्पवृक्ष के बारे में एक बात और हमें यहाँ से स्थानीय युवकों से पता चली कि इस पर फल एवं फूल खूब मात्रा में आते हैं, खूब इसके फल फूल गिरते हैं, लेकिन इसके पेड़ उगते नहीं हैं। इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि जहाँ पर भगवान चाहते हैं वहीं पर यह पेड़ उगता है। दोस्तों अब हम इस कल्पवृक्ष के दर्शन करने के बाद अब हम अगले स्पॉट छतरी के लिए जा रहे हैं। छतरी के लिए जिस रास्ते से हम आए थे वहाँ पर जो मेन रोड है वहीं से जाना होगा, ऑटो मिलेगा उसके बाद जाएंगे।